नमस्कार सखियो, स्वागत है आपका डिजिटल सासू माँ में। और एक कमेंट आया है मेरे पास कि बालों का झड़ना, गंजापन कैसे दूर हो। मैडम आप बताइए, तो मैं आज उन्हीं के संदर्भ में एक लेके आई हूँ बालों का झड़ने के लिए। तो बाल अधिकतर झड़ते हैं, अपन नहाते हैं लेडीज हैं तो बाथरूम में देखिए आप बाल कितने झड़े मिलते हैं, और जब कंघा करते हैं तो बाल झड़ते हैं। और लड़कों का, जेंट्सों के सिर में गंजापन जो आता है, तो उन सबको दूर करने के लिए मैं एक उपाय लेके आई हूँ। तो मैं आपको जो घरेलू चीज़ है उसी से मैं बताती हूँ। तो आपको बताना चाह रही हूँ कि प्याज मैं उसमें क्या क्या लगेगा, तो उसमें बताऊँगी। देखिए ये प्याज एक लाल होना चाहिए, सफ़ेद प्याज इसमें नहीं लगेगा, लाल थोड़ा स्ट्रांग रहता है और इसलिए मैंने ये लाल प्याज लूँगी। और इसमें एलोवेरा जेल लगेगा और ये शहद लगेगी। तीनों को मिला के बनाना है। और अब देखिए मैं पहले ये जो प्याज है इसको छीलूंगी, इसका छिलका उतार लूंगी। देखिए ये मैंने ये छील लिया है, इसका पूरा छिलका उतार दिया है। अब इसको ये प्लेट में लूंगी और ये छलनी कद्दूकस जो है इससे मैं प्याज को पीसने वाली हूँ। देखो सखियों, मैंने ये इसको किस अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और अब इसका रस मैं इसको निचोड़ रही हूँ और इसको चम्मच से थोड़ा दबा के पूरा रस इसका ये निकाल। देखिए ये रस मेरा ये निकल गया है, 2 से 3 चम्मच है और इतना काफ़ी है अपने बालों के लिए। अब इसमें मैं शहद ले रही हूँ, देखिए 1 चम्मच शहद। देखिए अपना ये रस 3 चम्मच है तो मैं 3 चम्मच ही इसमें शहद ले रही हूँ। 1 चम्मच डाल दिया, ये 2 और ये 3, ये 3 चम्मच मैंने शहद लिया है और इसको अच्छे से फेंट रही हूँ। तीसरा मैं एलोवेरा जेल दे, 1 चम्मच एलोवेरा जेल दे रही हूँ। देखिए ये चम्मच पूरा भर के और इसको मैं अच्छे से फेंट रही हूँ। देखो ये मैंने बालों का सीरम बना लिया है और देखिए कितना कलर बढ़िया आया है इसका। और अब मैं सिर में लगा रही हूँ। देखिए बालों को पहले अच्छे शैम्पू कर लिया है और साफ करके इसकी जो डस्ट है वो सब, इसकी डस्ट अब निकल गई। अब जब ये बाल साफ भी हो गए हैं, ये स्किन भी साफ हो गई है, अब मैं इसमें ये सीरम लगा रही हूँ एक रुई की मदद से, धीरे धीरे बालों की जड़ों में लगा रही हूँ। देखिए मैंने ये पूरे एक एक बालों में लगा दिया है, बालों में अभी से कितनी शाइनिंग आ रही है। और इसको कम से कम 2 घंटे तो अपन को लगा के छोड़ना है, पर यदि आप रात को लगा के सो जाएं और सुबह उठ के इसको लगाएं तो और ज़्यादा अच्छा है, इसका रिजल्ट और आएगा, अच्छा आएगा। और ये बाल, ये जो झड़ना है बाल, ये भी थोड़े थोड़े उगने लगते हैं, बालों में शाइनिंग आ जाती है, रूसी खत्म हो जाती है और जड़ों में जो फंगस है वो भी हट जाती है। तो आप इसको लगाइए, अब 1 घंटे 2 घंटे बाद इसको धोना है। देखिए पूरा मैंने लगा के ये कंघा इस पर फेर दिया है, तो इसमें जो गीलापन है वो टपकेगा भी नहीं और शहद के कारण कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे। ये कंघे से पूरा मिक्स हो गया है जड़ों तक, ये पूरे जड़ों के सीरम जड़ों तक चला गया है। देखिए अब अच्छे शैम्पू से सिर धो लिया है और ये बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, काले घने और सिल्की और सॉफ्ट और शाइनिंग हो गए हैं और रूसी भी गायब हो गई है, फंगस भी देखिए नहीं दिख रहा है और ये सब छूमंतर हो गए हैं। ये कितना अच्छा, बालों में शाइनिंग आई है और रूसी भी कम हो गई है। तो मैं आपसे भी बोलना चाह रही हूँ कि आप इसको सप्ते में 2 बार जरूर लगाइए, जिनको ये प्रॉब्लम है बाल झड़ने की, ये रूसी है, गंजापन है, तो आप सप्ते में 2 बार लगाएंगे तो रात को, यदि आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो रात को आप लगाइए। और बेडशीट ख़राब ना हो उसके कारण आप जो है ना उसमें पेपर बिछा लीजिए और रात भर आपको लगी रहेगी। और सुबह उठ के जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं उस शैम्पू से आप नहा लीजिए और फिर देखिए आपके बालों में कितना चमत्कार और अंतर दिखेगा, बाल उगने लगेंगे और रूसी खत्म हो जाएगी और फंगस से वो भी खत्म हो जाएंगे। तो मैं आपसे बोलना चाह रही, यदि आपको ये टिप्स पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स बॉक्स में आपको जो भी है आपके सुझाव वो दीजिए। धन्यवाद।